क्योंकि उन्होंने सोच समझकर उस भेष में
जो कुर्ता था उसमें कुछ निशानी लगाई थी, वह निशानी स्मृति के रूप में काम करते रहे। ऐसे ही जो बाहर का भेष धारण किया जाता है एक स्मृति के लिए किया जाता है। हाथ में पिछी का मंडल लाया है, दिगंबर मुनि बने हैं, तो यह स्मृति रहती है कि महावीर की मुद्रा को धारण किया है। कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आप सुबह पीले वस्त्र पहनते हैं अभिषेक के लिए, उन वस्त्र को पहन के आप चले जाएं घर के लिए, और बाहर चाट का ढेला हो, पर्यूषण का समय निकल गया हो, आप बाजार का खाने लगे हों, मन कितना भी करे कि ठेले में कि खा लें, क्या आप खा पाएंगे? क्यों? क्योंकि आप अभिषेक के कपड़े पहन के गए हैं, पीले वस्त्र पहन के गए हैं। लोग समझते हैं कि हाँ जैन साहब आए हैं, मंदिर से निकल कर आए हैं, तो वो एक प्रतिष्ठा भी रहती है, धर्म की प्रतिष्ठा भी रहती है कि हाँ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि कैसे जैन हैं, अभी मंदिर से पूजन करके अभिषेक करके कोई देख ले और यहाँ पर आके चाट खाने लगे। तो एक भेष ने आपको एक कार्य करने के लिए रोक दिया, क्योंकि वह भेष पुजारी का भेष है, वह जो ड्रेस है पुजारी की ड्रेस है, इसलिए यदि बाहर गए हैं और कुछ गलत करने का मन हुआ है तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भेष बदला हुआ है। भेष बदल लेने पे भाव बदल जाते हैं, और भाव बदल जाए तो भेष बदल जाता है। एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड चीज है। यदि साइंस ने इस पर सर्च किया और ये पता लगाया कि यदि कोई बाहर से क्रोध का भेष धारण कर ले, अपनी झटनियां खींच ले, हाथ नीच ले, तो उसके अंदर से क्रोध पैदा होना प्रारंभ हो जाएगा, और दूसरा अंदर से तीव्र क्रोध पैदा हुआ है और कोई अपने बाहर के भेष को संभाल ले, चेहरे में बिल्कुल भी तनाव ना हो, झटनियां बिल्कुल भी न तनी हो, बिल्कुल सहज और सरल चेहरा बना हुआ है, शरीर में कोई विकृति नहीं आई है, तो कुछ ही क्षणों में वह क्रोध शांत हो जाएगा। किसी सुनसान रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है और शमशान माना पड़ा रास्ते में, आजकल तो यहां कोई सुनसान रास्ता नहीं है, गांव में जब हम लोग जाते थे, सुनसान रास्ते में जा रहा है तो डर बैठता था और अचानक स्पीड बढ़ जाती थी, कदमों की स्पीड एकदम से बढ़ जाती थी, और जल्दी से कैसे उस प्रकाश वाले रास्ते पर पहुंच जाए, अपनी गली पर पहुंच जाए, अपने घर के सामने तक पहुंच जाए, अचानक स्पीड बढ़ जाती थी और अंदर धड़कन तेज हो जाती थी। इस पर सर्च किया और पता किया कि स्पीड बढ़ी है इसलिए भय बढ़ा है, और भय के कारण स्पीड बढ़ी है। भय कितना अंदर बैठा हो, यदि व्यक्ति अपनी स्पीड को कंट्रोल कर ले कि जब जैसे चल रहे थे सहज, उन्हीं कदमों के साथ हम बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे भय भी घट चला रहता है। अनुभव करके देखिए, और अनुभव करके देखा भी होगा, ऐसा हुआ है कि बाहर की मुद्रा यदि हमने साध ली तो अंदर की भाव दशा भी सध जाती है। बाहर यदि शांतता रख ली तो अंदर क्रोध आगे चला जाता है, पलायन कर जाता है, प्रकट नहीं हो पाता है। तो मुद्रा का अपना बहुत गहरा प्रभाव हुआ करता है। ऐसे ही सांसों का विचारों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि सांस उथली है तो विचारों का आदान प्रदान बहुत हो रहा है, और कसाय तीव्र होती है तो सांस उथली हो जाती है, तीव्र क्रोध आदि कसाय आए तो सांस उथली हो जाती है, इसलिए सांस गहरी लेने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे सांस कहाँ से लेते हैं? देखो छोटा सा बच्चा अगर लेटा है तो उसका पूरा पेट हिलता है ऊपर नीचे, नाभि से वो सांस लेता है, नाभि से छोड़ता है।
नाभि तक उसकी सांस जाती है, गहरी सांस जाएगी गहरी जाएगी, और जितनी गहरी सांस होगी मन उतना शांत होगा। यदि आप कुछ दिन का अभ्यास करें सिर्फ गहरी सांस लेने का और छोड़ने का, कि हम तो नाभि से सांस लेंगे अंदर तक ले जाएंगे और फिर धीरे से छोड़ेंगे, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वो अभ्यास सहज हो जाएगा, सांस सहज हो जाएगी और आपके परिणामों में एक शांतता सहज आ जाएगी। मन ज्यादा विचलित हो, ज्यादा तनावपूर्ण हो तो आप गहरी सांसें लेना चालू कर दो, सांसों पे कंट्रोल कर लो, बिल्कुल गहरी सांस आराम से लेना आराम से छोड़ना है, तो परिणाम बिल्कुल शांत होते चले जाते हैं। बहुत सारे योग इस पर विकसित हुए और ध्यान की विधियां श्वास पर विकसित हुई। 27 श्वासों श्वास में नमोकार मंत्र पढ़ने की विधि है क्या? सिर्फ श्वासों को क्रमबद्ध ढंग से कर लेना और उसके साथ नमोकार जोड़ देना। कोई ना कोई अवलंबन इस मन को चाहिए पड़ता है। तत्वानुशासन ग्रंथ में, ज्ञानार्णव ग्रंथ में, जो ध्यान के ग्रंथ हैं, आचार्य भगवंतों ने बहुत सारी ध्यान की बातें की, अलग अलग अवलंबन दिए, नमोकार आदि अवलंबन दिया, अर्हत परमेष्टि का अवलंबन दिया, बीजाक्षर का अवलंबन दिया, तो श्वास का भी अवलंबन दिया कि सिर्फ आती जाती श्वासों को आप देखें। अभी कोई अवलंबन दूसरा लेते हैं आप, जैसे जिन प्रतिमा को लिया, बदलते रहना चाहिए मंदिर में जिन प्रतिमा को लिया, तो उसके साथ आपको बहुत सारे विचार आते जाते हैं कि प्रतिमा कितनी मनमुख है, श्वेत है या श्यामल रंग की है, शांत मुद्रा है, ये सारे भाव आ रहे हैं। लेकिन जब आप श्वासों का अवलंबन लेंगे, श्वास आपके अंतरंग के साथ बहुत नजदीक में है, तब सिर्फ कोई विकल्प नहीं आता है कि अच्छी श्वास चल रही है कि खराब चल रही है या इसको ऐसे लेना है। एक गहरी श्वास का अभ्यास करें और उसको मात्र देखने वाले बने। जैसे आप श्वासों को देखने वाले बनेंगे तो ये नियम है कि दूसरे विचार अपने आप पलायन करके चले जाएंगे, क्योंकि आप जिस विचार को शक्ति देते हैं वो विचार बार बार आता है। अभी आपने दृष्टि कहाँ लगा दी है, इस गणित को समझें, थोड़ा सा कठिन भले लग रहा हो लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो मन का ही गणित बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा कि जिस ओर आप दृष्टि केंद्रित कर देते हैं वो चीज ताकतवर हो जाती है। यदि आपको कोई दुख आया है, कोई विकल्प आया है और आपने उसी विकल्प को देखने में पूरी ताकत लगा दी है तो वो विकल्प बढ़ता चला जाएगा और दूसरे विचार कम पड़ते चले जाएंगे। और कोई विकल्प आया है, कोई टेंशन हुई है और उसके विपरीत आपने कोई अच्छा विचार अपने मन में लाके उसको देखने का प्रयास कर दिया तो जो पुराना विकल्प आया था वो चला जाएगा, क्योंकि दृष्टि की शक्ति है और शक्ति एक बार में एक जगह काम करती है। अभी हमने श्वासों के आने जाने में अपनी दृष्टि लगा दी, सारी शक्ति वहां पर लगी हुई है उसको देखने में, तो अब मन को दूसरे विचार करने के लिए शक्ति नहीं मिलेगी और मन दूसरे विचारों को ज्यादा कर नहीं पाएगा, क्योंकि शक्ति कहां पर लग गई है, अब आपके आने जाने की सांसों को देखने में वह शक्ति लग गई है। और ये ध्यान का बड़ा सुंदर प्रयोग है मन को शांत करने का, प्रकृति पूरा त्याग धर्म तो प्रकृति सिखाती ही है, क्योंकि जो ग्रहण किया है उसको छोड़ना ही पड़ेगा तब शांति मिलेगी, उसके पहले शांति नहीं मिलने वाली है। जो श्वास ली है यदि लेते ही चले जाओ छोड़ो नहीं तो क्या होगा, बंद हो जाएगी श्वास, है ना। एक श्वास ली है तो एक छोड़ना पड़ेगा, प्रकृति से जो लिया है वो लौटाना पड़ेगा, त्याग स्वतः ही
एक प्रकृति का नियम है जो सहज हो जाता है। तो इस प्रकार आती जाती श्वासें हमारे चित्त को प्रभावित करती है। क्रोध में जब आप होते हैं तो श्वास की गति अलग होती है, जब क्षमा के भाव में होते हैं तो श्वास की गति अलग होती है। हम अपनी श्वासों की गति को परिवर्तित करके अपने अंदर के भाव दशा को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए जो बाहर है, जो भेष है, वो भी भावों को बदलने में सहकारी होता है। श्वेत वस्त्र धारण किए हैं तो ये स्मृति बनी रहती है कि ये वस्त्र है तो हमें कैसा आचरण करना है। आप मुनि महाराज के साथ हैं, व्यवहार करा रहे हैं, तो वहां पे भावों की दशाएं अलग होंगी। अभी देखो 10 दिन आप कितना ज्यादा समय दे रहे हो धर्म ध्यान के लिए, आपके संसार के सारे कार्य क्या बंद हो गए? कोठारी जी बंद हो गए क्या? चल रहे हैं, चलते चले जाते हैं। चार चार माह लोग चतुर्मास करा लेते हैं, आहारचर्या भी कराएंगे, प्रवचन भी सुनेंगे और अपनी दुकानदारी अपने ऑफिस का भी काम कर लेंगे और उनके काम चलते चले जाते हैं। कहाँ से टाइम का मैनेजमेंट होगा? टाइम निकल आता है, जैसे निमित्त मिलते हैं तो टाइम निकल आता है, नहीं तो फिर टाइम किसी के पास नहीं है। तो ये 10 दिन समय निकल कर आ गया है आपके पास। ऑफिस भी गए हैं आप, संडे को तो आप ऐसे जाते नहीं हैं, लेकिन दूसरे दिनों में भी ऑफिस गए होंगे हो सकता है, लेकिन मंदिर भी आए हैं, यहाँ पर अभिषेक भी किया है, पूजन भी यथाशक्ति की है और शाम को रात को आके शास्त्र सभा में भी बैठ लिए हैं और खान पान में भी नियंत्रण करके रख लिया है और फिर भी शरीर अच्छे से चल रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। धर्म के लिए समय निकल आता है यदि निकालना चाहे। अभी सिर्फ 10 दिन के लिए निकाला क्योंकि 10 दिन का बहुत बड़ा महत्व जैन दर्शन में बताया गया है। तो वो भाव दशा हमारे अंदर बनी हुई है कि पर्युषण मतलब बहुत पावन दिन, और इन पावन दिन अपनी आत्मा के लिए कुछ ना कुछ पावन कार्य करना है, तो ये भाव दशा बनती है तो कर लेते हैं। लेकिन जब समझ आ जाए कि हरेक दिन पावन है, हरेक दिन कुछ ना कुछ अपनी आत्मा को पावन करने के लिए कार्य करना है, तो टाइम निकल आएगा और आप कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते चले जाएंगे। और जो हमने प्रयोग बताए हैं उसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं है। कहीं भी आप बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और 2 क्षण 2 मिनट अपनी आगे जाने श्वासों को देख लिए, परिणामों की दिशा वहीं पर शांत हो गई। उठा पटक करने से आज के पूजन में आया था कि विषय वासनाएं ऐसी हैं जैसे अग्नि में घी डाल दो तो वो और अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही उनको भोगो तो वो और बढ़ती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहे थे, नदी पार कर ली, बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि जाओ नदी से पानी ले आओ पीने के लिए। गया, देखा कि नदी बिल्कुल पटमैली है क्योंकि उनके चलने से पूरी धूल मिट्टी ऊपर आ गई थी। आनंद ने कहा कि वो पानी पीने लायक नहीं है, बिल्कुल काला पानी, इतनी गंदी मिट्टी से भरी हुई वे नदी है, उसका पानी कैसे पिए? बुद्ध ने कहा कि जाओ, फिर से जाओ। फिर से जाता है लेकिन फिर भी मटमैली थी, फिर वापस आ जाता है। आनंद कहता है कि वो मटमैली है, कोई काम की नहीं है। पुनः बुद्ध कहते हैं कि जाओ, थोड़ा ठहरो, थोड़ा विश्राम से सिर्फ नदी को देखो, मात्र कि नदी प्रवाहमान है और कुछ देर बाद पानी पीने लायक हो जाएगा। ऐसा करता है आनंद, जाता है और कुछ देर शांति से नदी को देखता रहता है, कोई प्रयास नहीं करता है पानी को शुद्ध करने का, ठीक करने का, और देखता है कि जो मिट्टी थी वह धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, पानी वैसे ही वैसे स्वच्छ हो जाता है, पीने लायक हो जाता है और लेकर आ जाता है। तब बुद्ध ने कहा कि मन भी ऐसे ही काम करता है, इसको जितना शांत करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, बस इसके देखने वाले बन जाओ। जो भाव आपके अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं
उसको वैसे देखो जैसे नदी के किनारे आप बैठे हैं, उसमें पत्ते भी बह रहे हैं, उसमें कोई लकड़ी भी बह रही है, उसमें कोई प्लास्टिक की वस्तु भी बह रही है, और बह रही है मात्र आप देखने वाले बने हुए हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। तो सहज ही परिणामों की शांतता व्याप्त हो जाती है और वास्तव में हम देखने वाले ही हैं। देखना जानना ही इस आत्मा का स्वभाव है, ज्ञायक स्वरूपी ही यह आत्मा है। देखो आप देखने वाले कितने बनते हैं, जो देखने वाला है उसको मात्र नहीं देखते हैं, बाकी दुनिया की सारी चीजें देखते हैं। मंदिर आते हैं, ये पैदल आए हैं, आसपास सारे पोस्टर लगे हुए हैं, सब कुछ देखते हैं। एक बार ऐसे आना है कि कुछ भी बाहर आसपास का नहीं देखना है, जो चल रहा है जो जा रहा है उसको देखने वाले बनना है। देखो ये शरीर गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और मैं देखने वाला हूं। एक बार द्विसंधान तीर चलाओ, जो चल रहा है उसको देखना है और जो देख रहा है उसको देखना है। अभी कौन बोल रहा, अभी आप बैठे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है? आप हमें देख रहे हैं और हमारे शब्दों को सुन रहे हैं। एक क्षण ये द्विसंधान तीर अपने अंदर ले जाओ कि अंदर कौन सुन रहा है, या जिन आंखों से हम देख रहे हैं वो देखने वाला कौन है? वो देखने वाला मैं हूं। एक दृश्य से आप हमें देख रहे हैं और एक दृष्टि से आप अपने आप को देख रहे हैं, कि जिससे देख रहे आंख तो खिड़की है, इससे देखने वाला मैं हूं, मेरी आत्मा है। ये तो ही संधान हो गया। अभी शब्द यहां से निकले हैं, माइक से साउंड से आपके कान कर्ण पटल पर पहुंचे हैं, सुनने वाला कौन है? एक बार उसका भी चिंतन करो। दर्पण को कितना देखते हैं, आधा आधा घंटा सजते हैं, खूब देखें, मना नहीं है। वहां पर लिख ले, जिसको मैं देख रहा हूं वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं। शरीर को देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं, लेकिन आत्मा देख रही है वो मैं हूं। दर्पण को देखते देखते भी एक क्षण विचार आ जाए कि देखने वाला अंदर है जो इस शरीर को देख रहा है, मंदिर आने वाला ये शरीर चल रहा है लेकिन अंदर एक है जो सब देख रहा है, शरीर के कदमों को बढ़ते हुए भी देख रहा है। तो ये द्विसंधान होगा, ये आत्मबोध वहां से चालू हो जाएगा। आज त्याग धर्म का पावन दिन है और त्याग और दान लगभग एक समझ लिए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि दान में ये शर्त है कि दूसरे के उपयोग की वस्तु उसे दी जाएगी, त्याग में ये शर्त नहीं है कि उपयोग की वस्तु त्याग की जाएगी। दान के लिए जिसको दिया जाए उसकी भी मौजूदगी, जो वस्तु दी जाए उसकी भी मौजूदगी, और जो दे रहा है उसकी भी मौजूदगी की आवश्यकता होती है। और त्याग और दान में त्याग की महिमा ज्यादा होती है। वास्तव में अपना है क्या कि अपन त्याग करें? आकिंचन धर्म का दिन कल आएगा, उसमें समझेंगे किंचित मात्र भी मेरा यहां पर नहीं है। अभी जिसको हमने अपना मान रखा है उसको छोड़ने की बात है कि कैसे। और आप 10 दिन आपने खूब त्याग किया है, लेकिन आप क्या त्यागी हो गए? खूब व्रत किए हैं, 10-10 उपवास भी नहीं मुहैया हो रहे हैं, लेकिन क्या आप व्रति हो गए? नहीं हुए, ना त्यागी हुए ना व्रति हुए। त्याग खूब करने के बाद भी जिन्होंने अणुव्रत या महाव्रत लिए हैं वो त्यागी हैं। व्रत आपने ले लिए 10 दिन का उपवास का,
लेकिन जो महाव्रति अणुव्रति हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत का व्रत लिया है, व्रति संख्या उनके साथ जुड़ी है। हमें भोग भोग की वस्तुएं ग्रहण करनी ही पड़ती हैं, लेनी ही पड़ती हैं, तो कितना ग्रहण किया जाए और कितना छोड़ा जाए, इसका यदि बैलेंस जीवन में हो जाए तो लेना और ग्रहण करना, ग्रहण करना और छोड़ना सम्यक हो जाएगा। इसके लिए अभी तो क्या होता है कि वस्तुएं बस भरते चले जाते हैं, शादी हुई, लोकेश भैया आपकी, और शादी के समय अलमारी में आपके कितने कपड़े थे और धर्मपत्नी जी के कितने कपड़े थे, दो पोर्शन में अलमारी में हो सकता आपके रखे हो, दो पोर्शन में उनके रखे हो, लेकिन आज स्थिति ये बन जाती है कि एक तो अलमारी और एक्स्ट्रा हो जाती है 20-25 साल शादी गुजरने के बाद, आपका दो पोर्शन का एक पोर्शन में आ जाता है सामान और उनके दो अलमारियों में सामान भर जाता है। देखो आपके 20 जोड़ी कपड़े होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वहां पर दसों वेराइटी के, आपकी कितनी वेराइटी चलती है कपड़ों की, जीन्स टी शर्ट हो गया, कुर्ता पैजामा हो गया, ट्राउजर और शर्ट हो गया, पेंट शर्ट हो गया, 4-6-8 वेराइटी। लेकिन धर्म पत्नी की, बेटा है बेटी है तो बेटा की लिमिट की वेराइटी है, और बेटी के इतनी सारी वेराइटी अलग अलग रहती है, तो मार्केट भी जानता है जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि किसे आसानी से प्रभावित करना आसान होता है, तो उसी के लिए सामान बनाओ। और 60-70% प्रोडक्शन ऐसा होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मांग पैदा की जाती है आपके अंदर, एक चाय पैदा की जाती है कि नहीं जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक सुख नहीं मिलेगा। जो बीबी से करे प्यार को प्रेशर कुकर से कैसे करे इनकार, ये एड बार बार दिखाई जाती है तो फिर लगता है कि हाँ मेरा पति तभी प्यार करेगा जब प्रेस्टीज का कुकर आ जाएगा। वो बीमा कंपनियां बराबर हंसता खेलता फैमिली का चेहरा दिखाती है क्योंकि उनका बीमा हो गया है, तो हमें भी लगता है कि हमारी फैमिली का भी हंसता खेलता इसी प्रकार का फोटो तब खिंचेगा जब सबका बीमा हो जाएगा। कंपनियां बड़ी चालाक हैं, वे बराबर जानती है कि कहां पे चोट करनी है और कहां से पैसा खींचना है, कितने प्रोडक्ट चलते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के कितने चलते हैं, जिनमें जीभों का फ्लेवर निश्चित रूप से डाला जाता है, चाहे शैम्पू हो, चाहे साबुन हो, चाहे और भी तमाम चीजें हैं, लेकिन हम उनका उपयोग करते चले जाते हैं और अनायास ही पाप का संचय करके चले जाते हैं। ठीक है, यदि उपयोग करना है तो उसका परीक्षण कर लें। जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें इस प्रकार की चीजें नहीं मिली हैं, शैम्पू प्रोटीन वाला है तो समझना कि अंडा शायद उसमें मिला होगा, तो अंडे को कैसे स्पर्श आप कर सकते हैं, तो उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट ढूंढ करके उनका उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को संयमित कर सकते हैं। ये भी एक तपस्या है, आत्मा को स्खलित करने की, आत्मा को तपाने की ये भी एक प्रक्रिया है। कितना ग्रहण करना है, कितना छोड़ना है, इसकी विधि होनी चाहिए। जब पटरा होता है ना, आता है नया सीजन, मटर पटरा कहलाता है, तब बड़ा महंगा होता है, 200 रुपए किलो के आसपास रेट रहेगा। तो एक परिवार था, 4 सदस्य थे, माँ थी, बाबूजी थे और 2 बेटे थे, बेटी की शादी हो चली थी। 4 सदस्य थे, बाबूजी गए हों बाजार, 200 रुपए बड़ा महंगा है, एक पाव खरीद के ले आते हैं, एक पाव खरीद के ले आए, एक पाव का बटरा बना तो 50 ग्राम तो छिलका निकल गया, 200 ग्राम दाने आए,
तो सबके हिस्से का कितना कितना 50-50 ग्राम। मतलब ग्रहण करने में कितना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए कि दूसरे का हक भी ना मारा जाए। 50-50 ग्राम सबके हिस्से में आए। माँ तो परसने वाली है, वो तो अघोरदानी है, और जो बनाते हैं भोजन वो अपनी रुचि भूल जाते हैं, दूसरे की रुचि याद रहती है और दूसरे की रुचि से माँ का द्वारा भोजन बनाया जाता है, उसे अपनी रुचि से फिर मतलब ही नहीं रहता है। तीनों जन बैठे हैं भोजन करने के लिए, बाबूजी दोनों बेटे, अब माँ तैयार है कि कब चीज परसी जाए खत्म हो। बेटे भी बड़े समझदार हैं कि हमें अपने हिस्से का बंटवारा मिल चुका है, अब धीरे धीरे खाना है, दूसरी चीज के साथ लगा लगा के खा लें, कटोरी खाली कर देंगे तो माँ तो अघोर दानी, वो तो अभी रख देगी और उसके हिस्से में नहीं रहेगा। और बराबर वो सोचते सोचते माँ कहती है कि ये काय को नहीं खा रहा है, उसी को रखे हुए हैं, जब से खा रहे हैं दूसरी चीज खा रहे हैं उसको भी खाएंगे। लेकिन वो इस भाव से कि माँ को भी मिल जाए, नया सीजन आया है, नए सीजन की चीज बड़ी स्वादिष्ट होती है, उसका भी भाव है, थोड़ा सा है जो हमारे हिस्से का आना था आ गया, वो अपने आराम से खाता है और भोजन कर लेता है और थोड़ा सा हिस्सा माँ को मिल जाता है। देखो उसको कितना सुकून उससे त्याग से मिला कि ग्रहण का ग्रहण भी कर लिया, दूसरे के हिस्से को मारा भी नहीं और उसको भी उसका हिस्सा मिल गया। ऐसा ग्रहण करो तो आनंद भी आता है, सुख भी बढ़ता है, तसल्ली भी होती है और ग्रहण का ग्रहण भी हो जाता है और त्याग का साथ में त्याग भी हो जाता है। तो ये हर एक क्षेत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया ध्यान रखें। घर में रहते हैं तो दूसरे के हिस्से को मार तो नहीं रहे हैं, उतना ही ग्रहण करें कि दूसरे का हिस्सा ना जाए। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जितना कमाओ उतना अच्छा है कि उसका 50% भोग में कर लो, 25% अपने भविष्य के लिए बचा लो और 25% दान कर लो। ये उत्कृष्ट दान है। यदि इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर 20% दान कर दो, बाकी अपने लिए बचा लो। और इतना नहीं कर पा रहे हो तो जघन ने बताया कि 10% उससे हिस्से का दान कर दो, बाकी अपने भोग के लिए रख लो। ये प्रक्रिया बताई है। मतलब कीजे शक्ति प्रमाण और दान दे मन हर्ष विषेक, एक हर्षित भाव आना चाहिए। अभी तो लेने वाला इंटरेस्टेड होता है, देने वाला पीछे भागता है, लेकिन देने वाला इंटरेस्टेड होना चाहिए, देने वाले के अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि सामने वाले ने लेकर के हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, वरना मैं कहां पर देता। जैसे श्रावक चौका लगाते हैं, आहार दान देते हैं, आचार्य परमेष्टि के आहार हुए, आपको ये भाव आता कि हमने चौका लगाया है, दान दिया है, हम ना दे चौका ना लगाए तो कोई चौका ही ना लगाए, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना है कि किस्मत इतनी अच्छी थी हमारी कि घर में द्रव रखा था और ऐसे उत्तम पात्र हमारे घर आ गए और उन्होंने हमारे द्रव को ले लिया, उनसे बड़ा उपकारी और कौन है हमारे हमारे लिए। ये भाव आना चाहिए, कृतज्ञता का भाव। जब भरत चक्रवर्ती अपने आंगन में खड़े होकर आंसू बहा रहे थे, दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे, तब उनके जो सहायक थे, जो उनके सलाहकार थे, सैनिक थे, उन्होंने कहा कि 6 खंड के अधिपति तुम्हें क्या कमी है आपको और आपकी आंखों में आंसू, कौन दुष्ट है जिसने आपकी आंखों में आंसू डाल दिए। तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि कोई शत्रु नहीं है, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि जो मेरी आंखों में आंसू डाल दे, आज अपने भाग्य पर ही मैं रो रहा हूँ
कि आज इतना दुर्भाग्य कि आज इन हाथों ने किसी मुनिराज को आहार नहीं दिए हैं, किन्हीं मुनिराजों के दर्शन आज नहीं हो पाए हैं। आज मुझे ये सारी दौलत दो कोड़े की मालूम पड़ती है कि कोई मतलब की नहीं है ये संपत्ति। तब दो चरण धारी मुनिराज आते हैं और उनका दर्शन और उनका प्रणाम आदि भर चतुर्थी करते हैं। जब रात आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? राजा श्रेयांश, जिन्होंने दान परंपरा चलाई है। जब राजा श्रेयांश ने हस्तिनापुर में भगवान आदिनाथ का पड़गाहन किया और प्रथम आहार दिया, तब चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश के पैर धोए और उनके चरणों में नतमस्तक हुआ कि आज तुम्हारे सामने ये छह खंड की विभूति कुछ भी नहीं है जो तुम्हारा पुण्य है। मेरा पुण्य क्या पुण्य होगा जो तुमने पुण्य कमाया है? आज तुमने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो कार्य किया है, ऐसा भाव आता है सबने दृष्टि के अंदर, ऐसा अहोभाव आता है जब वो अपनी राज को आहार दान देता है। तो इस प्रकार के भावों के साथ हमें न कि हमने ये किया, हम ना होते तो कौन करता, ऐसा अहम बुद्धि के साथ भी दान नहीं दिया जाता है और दिखावे के लिए भी दान नहीं दिया जाता है। दान जो सौद्रव्य रखा हुआ है, जो हमने कमाया है, रखते बलम धावते बारी, जो धन कमाने में निश्चित रूप से किसी का हक गया होगा, कुछ ना कुछ पाप हुआ होगा, उन पापों के प्रक्षालन के लिए दान दिया जाता है। दान एक स्नान की तरह होता है, जैसे आप गंदे हो जाते हैं तो स्नान करके स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे धन आदि के अर्जन करके आपने जो पाप का संचय किया है उस पाप को हटाने के लिए दान दिया जाता है। तो इस भाव से दान देना चाहिए। देखो कैसे कैसे भावनाएं होती हैं, मन से कसायों का त्याग, परिणामों की निर्मलता कैसे बन जाती है। एक ब्राह्मण थे, उनके पत्नी थी, एक बेटा और एक बहू थी, बहुत गरीब। तीन दिन हो गए और पानी पीकर काम चला रहे थे। तीन दिन बाद कुछ आटा मिला, चार रोटी बनाने लायक कुछ है द्रव मिला, आटा मिला और चार रोटी उन्होंने बनाई। सबकी थाली में एक एक रोटी रखी थी। उस ब्राह्मण बंधु ने सोचा कि चलो देख लेते हैं, कहीं कोई बाहर दरवाजे में भूखा प्यासा ना खड़ा हो, अतिथि सब विभाग वृत्त का पालन कर लेते हैं। ये होती है भावना कि बिना कहे और अंतरंग से भाव आए कि देख लेते हैं एक बार, कहीं कोई बाहर भूखा प्यासा तो नहीं खड़ा है। देखते हैं तो एक भूखा प्यासा वृद्ध आगे खड़ा था। बुलाते हैं कि आइए भोजन करिए और अपनी रोटी दे देते हैं। उस दिन भी वो पानी पी के काम चला लेता है। वो वृद्ध भी बहुत दिन से भूखा था। उसके कहे बिना उसकी पत्नी भी अपने हिस्से की रोटी जो थी वो भी दे देती है। अभी भी शायद पेट नहीं भरा है और जो पुत्र था वो भी उसी नियत का था, वो भी अपनी पेट खिसका देता है और अपनी रोटी दे देता है। और जो पुत्र वधू थी वो भी बड़ी संस्कारी थी, उसी माहौल में रहकर वैसे ही हो गई थी और वो भी अपनी रोटी इसका के दे देता है। और चारों अपने हिस्से का भोजन करा के बड़े खुश होते हैं और पानी पीकर अपना काम चला लेते हैं। और वो वृद्ध भरपेट भोजन करके उनको आशीर्वाद दे करके वहां से चला जाता है। जब पूर्ण होता है तो सब सदस्य एक से मिल जाते हैं, एक से भाव कसा के मिल जाते हैं, आपस में विकल्प नहीं होता है। एक कहे कि तुम कितना धर्म करते हो, दिन भर मंदिर ही जाते रहते हो, तीर्थ क्षेत्रों में ही जाते रहते हो, नहीं बल्कि उसका भी भाव बनता है, वो भी कहता है कि हम भी मंदिर चलते हैं। कहते हैं कि वो वृद्ध जो कुछ खा के गया उसके मुंह से कुछ छोटी थोड़ी सी झूठन गिर गई थी और वो झूठन जिन वस्तुओं से टकराई वो सब सोने की हो गई थी।
ये तो बाद में जोड़ दिया है या एक बताने के लिए रखा है, लेकिन वास्तव में जिसका मन कुंदन सा हो गया दूसरे को भोजन करा के, उसको वैसे ही सोना प्राप्त हो गया, उसको वैसे ही सब कुछ प्राप्त हो गया। आचार्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि सारी दौलत एक तरफ और एक क्षण की परिणामों की निर्मलता विशुद्धि एक तरफ, करोड़ों की संपत्ति एक तरफ रख देना, लेकिन एक क्षण जो परिणामों की निर्मलता परिणामों की शुद्धि बन रही है उस क्षण को जी लेना, क्योंकि वो क्षण पता नहीं फिर दोबारा कब आते हैं। तो ऐसे जिसका मन कुंदन सा बन जाता है त्याग करके, चीजें छोड़ करके, वो नियम से सब सर्वस्व का अधिकारी हो जाता है। तो ज्यादा कुछ छोड़ने की बात नहीं है, H2O का फार्मूला अपनाना है। यदि दो ग्रहण करो, H2O किसका फार्मूला है हमसे भाई, पानी का दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाता है। तो यहाँ पर ग्रहण और त्याग का बैलेंस बताने के लिए H2O का फार्मूला दिया कि दो ग्रहण कर लो तो एक छोड़ दो, दो जोड़ी कपड़े लाए हो तो एक जोड़ी अलग कर दो, दो जोड़ी जूते लाए हो, चप्पलें लाए हो तो एक जोड़ी अलग करने का प्रयास करो। देने का अभ्यास होना चाहिए और बच्चों को देने का अभ्यास सिखाना चाहिए। अभी हम कोटा में बोली लगाने गए थे कलश स्थापना की, तो वहां पे जो बोली लगवा रहे थे वो खुद नहीं लगा रहे थे, 3 साल के बच्चे को आगे करके वो बोली बता रहा था, 30 लाख 35 लाख मतलब उसको आगे करके बोली लगवा रहे थे, और इसलिए लगवा रहे थे कि उसको देने का संस्कार उसको मिले। दान दिलवाओ तो बच्चों के द्वारा दिलवाया करो, देने का संस्कार बनता है। अभी बच्चों के पास कौन सा संस्कार है, अनादि से जो आया है लेने का आया है। एक आप गिफ्ट खरीद के दे दो और दूसरा बच्चा आए उससे कहो कि बेटा इसको दे दो थोड़ी देर खेलने के लिए, हाथ से नहीं छूटेगा, बल्कि 2-3 और फैले होंगे तो जल्दी से उठा के अपने पास रख लेगा कि वो भी न ले लें। मतलब खींचने का संस्कार है। दूसरे को उपहार भी दिलवाओ तो बच्चों के हाथों से दिलवाया करो, ताकि उनके पास देने का संस्कार बने। देने का संस्कार जो बनता है उससे उन्नति बहुत होती है। जिस कुएं से पानी निकलता रहता है उस कुएं में तरोताजा पानी आता रहता है, जिसका देने का संस्कार बनता है उसके पास कई गुना ज्यादा लौट के आता है। ये नियम है, इसलिए बच्चों पे भी देने के संस्कार डालना चाहिए। और 4 प्रकार के दान की व्यवस्थाएं हैं, औषध शास्त्र अभय आहार। तो आहार दान जब 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का हो जाए, 8 वर्ष का हो जाए, तब उसके द्वारा आहार दान की प्रक्रिया कराओगे, ऐसे आहार दान दिया जाता है। शास्त्र गुरुदेव आए तो उनके कर कमलों में शास्त्र देना, उनके योग यदि कुछ लिखने के लिए है तो वो देना, सिर्फ संयम वृद्धि करने वाले उपकरण ही देना, इसके अलावा कुछ न देना। और औसत किसी को कोई औसत लग रही हो तो वो औसत की व्यवस्था यदि आप कर सकते हैं तो उनके लिए करनी चाहिए। औसत शास्त्र अभय, आपके पास अभय चाहिए, आपका नाम ही है अभय। अभय का मतलब होता है कि उनको रहने के लिए ठहरने के लिए कोई स्थान की व्यवस्था कर देना, तो ऐसी व्यवस्थाएं उनके लिए कर दें तो निश्चित रूप से। और 3 प्रकार के होते हैं पात्र, उत्तम, मध्यम और जघन्य। और जघन्य के बाद जिनको आप कुछ दे रहे हैं वो करुणा दान के अंतर्गत आएगा। जघन्य में सम्यक दृष्टि अविरत आ जाते हैं, मध्यम में देशवृत्ति आ जाते हैं और उत्कृष्ट में महावृत्ति आ जाते हैं। और उसके बाद जो है वो करुणा दान के अंतर्गत आ जाता है। अपना कोई साधारणीय भाई है, उसको किसी चीज की जरूरत है स्टेब्लिश होने के लिए, मंदिरों में तो करोड़ों लाखों दे देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा सहारा दे दिया यदि आपने, देखो क्षमा सागर जी महाराज ने कितने जो बच्चे थे जो फीस भी नहीं भर पाते थे,
जो IAS IPS की कोचिंग नहीं कर पाते थे उनके लिए ऐसा माहौल दिया, ऐसे उन्होंने सुविधाएं जुटा कर दी और वो बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाकर हुए और कितने बच्चों का उन्होंने उद्धार किया है। ऐसे श्रावक भी हैं जो अपने स्तर से काम करते हैं। तो जब भी आपको लगे, आपके आसपास लगे, तो चार तरफ प्रचार करके नहीं देना है कि कुछ दो किलो फल खरीदे बांटने गए हॉस्पिटल में और 25 जगह से फोटो खिंचवाई और 10 जगह उसको छपवाया और दो किलो फल बांट कर आ गए। एक बार एक जगह गरीब महिलाओं को हाथ वाली मशीन बांटी गई कपड़े सिलाई की और उसका खूब अखबारों में फोटो लगाया गया। जैन महिलाएं थी वो, एक जगह सखिया और एक किसी संस्था ने बांटी, फिर उसकी इतनी थू हुई उसकी, सब जगह फोटो लगाई और बांटी गई। तो जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने देखा 500 रुपए की तुमने मशीन बांटी है, लेकिन उस माँ की इज्जत भी तो ध्यान रखते कि तुम फोटो अखबार में उसकी छाप रहे हो, उसके नाम छाप रहे हो, यदि देना है तो शांति से घर में जाके दे दो, 4-6-8 लोग मिलके। किसी की गरीबी को उठाकर दिखाओगे तो भी उसका अपमान है, कोई नहीं चाहता है। ये तो कर्म की स्थिति ऐसी रहती है कि आदमी को नौकर बन के रहना पड़ता है, वरना कौन किसका दास बनकर रहे, कौन गरीब बनकर रहे। तो देना इस प्रकार से जैसे रहीम खान खाना समय हो गया है, और गंग कवि थे, गंग कवि और रहीम खान खाना बड़े अच्छे आपस में मित्र थे, एक राजा बन जाते हैं और एक गरीब रह जाते हैं, लेकिन कविताएं बड़ी अच्छी लिखते थे। तो रहीम खान खाना को पता चला कि मित्र हैं, गांव के बाहर छोटी सी झोपड़िया में रहते हैं और बहुत गरीब हैं, क्या करें। बुलाया दरबार में सुंदर सुंदर सी कविताएं गवाइयों से, और कुछ नहीं, बिना कुछ दिए चले गए, भेज दिया। और वो भी इस प्रहित है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, मित्र से मिलाए, आए अपने घर आए, शांत होते होते देखा कि बैलगाड़ी पे बैलगाड़ी उनके महल से और गंग कवि की झुपड़िया तक जा रही है, और बैलगाड़ियों में हीरे जवाहरात भरे हैं, धन धान्य भरे हैं, सारी सामग्रियां भरी हैं, और वो गंग कवि के घर जा रही हैं शांत होने के बाद। तब गंग कवि कहती है क्या रहीम खान खाना ने भेजा है आपके लिए। उन्होंने कहा गंग कवि ने रहीम खान खाना से कहां सीखे साहिब जो ऐसी देनी दें। दे सकते थे भरी सभा में, हजारों लोग थे, नाम हो जाता कि इतना दे दिया। तब रहीम खान खाना बोलते हैं कि देन हार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे रहें। देने वाला कोई और है, उसके द्वारा प्राप्त हुआ है, मेरा क्या है, पुण्य से मिला है, यही छोड़ जाएगा, सब यही का यही है, बस हमने तो थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया है। इस भाव से किसी की मदद कर सको तो निश्चित रूप से मन भी आनंदित होता है और ये मदद वास्तविक मदद कहलाती है। तो ऐसे भावों के साथ हम ग्रहण करें और छोड़ें तो निश्चित रूप से अपनी आत्मा का कल्याण हो। इसी भावनाओं के साथ